हम लोग अभी आए हुए हैं जी एक डेरे पे, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखें जी आए हमारा बचपन, ये देखें क्या है? हम तो इसको गोले कहते हैं, पिंक और ब्लैक वाली। ब्लैक वाली मीठी होती है, ये थोड़ी खट्टी होती है क्योंकि अभी कच्ची है। और ये देखें हाथ लगाने से ये टूट रही है, ये है जी। चल भी सुने फ़ोन फोकस कर, नीचे ये सारा भरा, इसका दाग वैसे उतरता नहीं है, देखें सारी भरी पड़ी है। ये हमारे घर के बाहर भी किसी ज़माने में होता था, लेकिन ख़त्म हो गया शतूत, अब ये भरा पड़ा है। ये देखें ना ज़रा, मैं तो उतार नहीं रहा, वैसे ये हाथ उतारता, हाथ भी लगाता हूँ तो ये गिर जाते हैं। और होंडा जी मज़े में चिल मॉल थे, मिठे चौल हरियाली के अंदर ऑफ रोडिंग हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग अभी डेरे पे आए हैं, ईद है ना, तो ईद के साथ साथ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ खाने को मिल रहा है। आपको पता है ईद कितना सुकून है ना यहाँ पे, इधर गंदम लगी हुई है, यहाँ पे ताज़ा नहर का पानी आ रहा है, ये देखें। तो बस यहाँ से निकलेंगे, एक दोपहर की मेन जो दावत है वो दोपहर की है, वो हमने इंशाल्लाह वहाँ पे करनी है। तो गाड़ी अभी भी साफ़ ही है, बस वो कि मिट्टी रात को फिर थोड़ी आंधी आई थी, मिट्टी पड़ गई है तो वाइट कलर इतना फील नहीं होता, यही तो वाइट कलर का फ़ायदा। ये देख लें जी सफ़ेद, ये मैंने पहले दफ़ा देखी, ओ तो ये पकी हुई है, ये बड़ी मीठी है वैसे, मैंने खा के देखी है, इसको ट्राई कर। ये हमने बचपन में बड़ी खाई है। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं दरिया के किनारे, आप नहीं कह सकते, हम एक झील के किनारे हैं, सामने है झील, और ये कुदरती नहीं आर्टिफिशियल है, ये खुद बनाई गई है। बेसिकली यहाँ पे इस तरफ एक नहर है बहुत बड़ी, और ये जो पानी है सारा, ये मतलब दरिया का पानी सेव किया हुआ है। और हम लोग आज इधर से गुजर के आगे जा रहे हैं, स्पेशल एक मेरे कहने के ऊपर खाना जो है वो बनवाया गया है, और वो बड़ी मशहूर डिश है। अभी मैं देख के रोड क्रॉस कर रहा, अभी लोग काफ़ी ज़्यादा ना यहाँ पे आए हुए हैं इन्जॉय करने के लिए। तो ये है जी झील, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और ये एक नहीं है, ठीक है, ये तीन है शायद। वो वहाँ से स्टार्ट होती है, ये वो बाउंड्री है या नहीं मुझे नहीं पता, इसके बाद इसके आगे एक और आएगी, उसके बाद एक और आएगी, इस तरह करके ये तीन हैं, और ये सारा दरिया का पानी स्टोर करते हैं। और ये सीनरी भी काफ़ी खूबसूरत है, सिर्फ किस्मत ये है आज मौसम अबर आलूद है। होंडा हमने वहाँ पे लगा ली हुई है, तो होंडा काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करवा रही है, चिल मॉल और अच्छी एवरेज के साथ। हालांकि अभी एवरेज जो है उसकी 16.9 पे आ गई है, कल मैं जब निकला था तो 18 से नीचे नहीं इस गाड़ी ने एवरेज दी। हम लोग अभी ना यहाँ से निकल चुके हैं आगे झील पे, अब ये लास्ट वाली झील यहाँ पे आ चुकी है, ये आगे पहाड़ के साथ एंड हो जाती है, बट हमने पहाड़ पे नहीं जाना, हमने मुड़ जाना है पहले ही, तो ये बॉर्डर ही है। यहाँ पे ज़रा आज लौंडे सारे निकले हुए हैं मौजें करने, सारे इंजॉय कर रहे हैं, कोई वो जलूस नहीं होता। अब ये जो बंदे आप देख रहे हैं सारे के सारे, ये इसी तरह ही हैं, ये मतलब भरी पड़ी हैं, ये हाइलक्स जा रहे हैं इनके, बड़ा खूबसूरत सा वैसे तो सीन हुआ हुआ है। ओके जी, अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, तो ये आगे सारा डी आई खान है, और पता नहीं ये हाइलक्स वाले पता नहीं को रैली निकाल रहे हैं या क्या कर रहे हैं, इतनी गाड़ियाँ इधर गुजर रही हैं इनकी भरी भरी, और भाई ये जिस तरह चला रहे हैं मुझे नहीं पता, ये पता नहीं कफन बांध के निकले हैं सर पे, वैसे इन्होंने टोपियाँ पहनी हैं, शायद कफन बांध के निकले हैं। तो मैंने उस जगह गाड़ी लगाई है कि दोनों साइड से नज़र आए, इधर से भी और इस तरफ से भी। बस हम लोग ना यहाँ पे फोटो सेशन के लिए आए हैं, और हम लोग कहाँ से आए थे, वो सामने रोड है जहाँ से हम लोग आए हैं मुड़ के ना, हमने बस चले जाना है वहाँ पे, हमारी दावत है। तो मैं बस ये देखना चाह रहा था कि यहाँ पे आके देखें, तो ये झील जो है यहाँ पे एंड होती है। हम लोग अभी थोड़ी हाइट पे हैं, ज़्यादा 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 नहीं, काफ़ी ज़्यादा हाइट है यार, इतनी थोड़ी भी नहीं है, वो नीचे लैंड स्लाइडिंग वाले पत्थर पड़े हुए हैं, तो ये इधर से आ रही हैं गाड़ियाँ सारी, बस वो फोटो सेशन कराएँगे फिर इंशाल्लाह, यहाँ से हमने आगे निकल जाना है दावत के लिए। मोटरवे ना भी हो तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, अगर इस तरह के रोड हो, इतना ज़बरदस्त और बेहतरीन रोड है ना, इसके साथ 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 में ग्रीनरी है, और इस तरफ आप देखो तो गंदम, और साथ में सारे आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, पूरी एक जो कंप्लीट खूबसूरती वाली सीनरी वाला वाइब है ना, वो यहाँ पे आता है। और ये रोड इतना ज़्यादा स्टेबल और ज़बरदस्त है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। हम लोग ना सैर से करते करते थोड़ा सा ब्रेक लिया, असल में यहाँ पर थोड़ा रोड ना ख़राब है, और हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ से मेरे ख्याल में 3 किलोमीटर का साइड डिस्टेंस, और यहाँ पे गंदम की भी कटाई शुरू हो चुकी है, और यहाँ पे पूरे ज़ोर के साथ तम्बाकू भी लगा हुआ है। मतलब होंडा को किया होगा ना कि यार ये बहुत स्टिफ है, या ये इस तरह का मसला करती है, बट यार अभी तक मैंने, मतलब मैं जब से गाड़ी चला रहा हूँ 300 किलोमीटर्स मैं चला चुका हूँ गाड़ी, मतलब मुझे नहीं इस गाड़ी ने ऐसा मुझे लगा कि यार ये स्टिफ है, या शायद पीछे बैठ के लगती है, या मैं चला रहा हूँ 2 दिन से शायद इसलिए लग रही है,
मतलब जो थॉट्स है ना होंडा के बारे में, वो मैंने अब इस गाड़ी को ड्राइव करने के बाद मेरे थोड़े से चेंज हुए हैं कि ये गाड़ी यार अच्छी गाड़ी है। मतलब मैं पहले सोचता था कि यार बहुत स्टिफ देती हैं गाड़ियाँ। मतलब मैंने ये रोड, ये कच्ची रोड पे भी चल चुकी है। कच्ची रोड मतलब ये वाली नहीं, जो मतलब बैलेंस वाली होती है, जैसे ये कच्ची है इस तरह, मतलब पूरी लेवल वाली, बिल्कुल एक आउटस्टैंडिंग आप कह सकते हैं कि उस रोड के ऊपर भी ये गाड़ी चली है तो कोई मसला नहीं हुआ। हाँ, ये कि इसको गुजारता मैं एहतियात से हूँ, हालांकि गाड़ी ऊंची है लेकिन इसके जो साइड पैनल्स हैं ना वो थोड़े नीचे हैं, तो मैंने बड़ी एहतियात से इस गाड़ी को, जब भी कोई टोया शोया इस तरह का कोई मतलब खड्डा वगैरह आया ना तो वहाँ से मैंने इसको एहतियात से गुजारा है कि गाड़ी लगे ना। सामने आपको जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, पहले हम इनके बिल्कुल साथ साथ थे, अभी अप्रॉक्सीमेटली कोई यहाँ से ये कोई 30-40 किलोमीटर दूर है, दिखने में ऐसे ही लगता है कि बिल्कुल पास है। ओके जी, हम लोग आ चुके हैं जी गांव में, और हमने यहाँ पे एक स्पेशल, मैंने तो कह के वो मतलब खाना जो है ना वो बनवाया है मेरे ज़्यादा इंसिस्ट करने पर, तो हम आए भी इधर इसी जगह पर हैं। अभी हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही है, बाकी आगे बारिश आने लगी थी थोड़ी सी, मौसम बहुत खूबसूरत हो चुका है। गाड़ी अब थोड़ी सी गंदी हो गई है, उसकी रीज़न ये है कि पहले मिट्टी बहुत उड़ रही थी, सारी मिट्टी गाड़ी के ऊपर आ गई और उसके बाद फिर बारिश शुरू हो गई, तो बारिश ने ऐसे निशान डाल दिए। खैर, वाइट कलर इतना ज़्यादा फील नहीं होता, और सेफली साइड पर खड़ा कर दिया हमने। अंदर जाने लगे अभी, और वो फिर हम खाते हैं, डिश है जी सोबत, और वो आपको पता है वैसे तो वो केपीके की डिश है, बट इस इलाके में भी वो लोग बहुत शौक से खाते हैं, और मैंने वो इसीलिए ही मतलब इंसिस्ट किया है। एक दफ़ा पहले मैं यहाँ पे आके खा चुका हूँ, बट उस वक्त मुझे भूख नहीं थी। आज मैं मतलब मैंने सुबह का नाश्ता किया, दोबारा मैंने खाना नहीं खाया, मैंने कहा ये खाना खाना है, उसके बाद बाकी काम जो है हमने कर लें, तो बस थोड़ी देर में वो खाएँगे। यहाँ पर भी लाइट वगैरह भी कोई नहीं है, लेकिन हवा बड़ी प्यारी चल रही है, बारिश आगे आई थी फिर रुक गई। तो ये है जी हमारी डिश सोबत, इसको पश्तो में क्या कहते हैं ये मुझे नाम नहीं पता। तो मैंने बनवाई है चिकन वाली, क्योंकि बीफ़ और मटन भी इसके अंदर ऑप्शन होता है, बट मैं चिकन वाली ही खाना चाह रहा हूँ। तो इसके अंदर रोटी जो है वो शोरबे के अंदर डिबो के रखी होती है, और इसको आपने रायते के साथ हाथ से खाना होता है, बट हम जो है वो चम्मच के साथ इसको खाएँगे। उसकी वजह ये है कि हाथ के खाने का आदी नहीं है, और ये मैंने पहले एक दफ़ा ट्राई की थी बट उस वक्त मेरा पेट फुल था। अब जो है इसको मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ, और इसका जो जायका है वो बहुत अच्छा है, और ये काफ़ी हैवी होती है, आपसे ज़्यादा खा नहीं होती, क्योंकि परात दिखने में ऐसे लग रही है। अब छः बंदे हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, बट मैं छः बंदों से आधी जो है वो भी नहीं ख़त्म हुई, मतलब इतनी ज़्यादा हैवी होती है। तो ये जो लोग रेगुलरली खाते हैं उनका है, बट इसका टेस्ट, इसका जो देसी फूड है वो यूनिकनेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाने के बाद हम लोग वापस आ चुके हैं। ये सारा इलाका जो है ये कच्चे का इलाका होता है, बट ये वो वाला कच्चा नहीं जो आप सिंध वाला समझते हैं। ओके जी, हम लोग आ चुके हैं वापस, और इधर भी काफ़ी बारिश हो रही है, हवा बहुत प्यारी चल रही है। गांव के अंदर आप रात के टाइम इस तरह का अंधेरा ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो गाड़ी भी जी यहाँ पर पहुँच गई है, अगर ना इसके मैंने शीशे की उस दिन सर्विस करवाई थी, तो ये आगे फिर लॉक हो गया था, यहाँ पे आके लॉक हो गया था, तो फिर हमने इसको थोड़ा सा हाथ से हिलाया तो ये ऊपर चढ़ गया। अब इसको नीचे नहीं करना, तो ये अभी भी इसकी मोटर प्रॉपरली ना वो काम नहीं करती, बारिश हुई है ना तो स्क्रीन बस साफ़ करके हम लोग इधर पहुँच गए। गाड़ी वैसे ना मैं आपको बताऊँ, पहले गंदी थी, बाद में गाड़ी साफ़ हो गई बारिश होने की वजह से, वो थोड़े बहुत शीशे के ऊपर मार्क्स हैं, वो कोई नहीं मसला, यहीं पर एंड करते हैं। हाँ, मैंने स्टिंग की बोतल भी पकड़ी हुई है, पीने के लिए ली थी लेकिन दिल नहीं किया पीने को, तो वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। पसंद आई तो लाइक करिएगा, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।